hey everyone welcome back to this channel i am diksha so let us talk that what we are going to do in this video we are going to talk about book number 2 that is contemporary world politics contemporary world politics class 12th political science we are going to discuss and in this particular video we are going to talk about chapter number now what is chapter number 1 in our ncrt that is the end of bipolarity and earlier it was chapter number 2 right so chapter number 1 is deleted from the syllabus as of now so that is why this is chapter number 1 in new editions if you are using old edition then it is chapter number 2 the end of bipolarity clear so let us talk about an overview of this particular topic of or, or of this particular chapter that what we are going to study in this particular book so uh, in this particular book we are going to talk about world politics इन जनरल हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हमारी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसमें किस तरीके से कौन सी कंट्रीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं क्या ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर्ल्ड वाइड हुई हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जानना ये चीज़ें हम इस पर्टिकुलर बुक में पढ़ने वाले हैं देन आफ्टर दिस इफ आई टॉक अबाउट द पर्टिकुलर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक देन वी आर हैविंग सेवन चैप्टर्स इन ऑल टू डिस्कस दैट इज़ द एंड ऑफ बाई alternative centers of power then contemporary south asia international organizations security in the contemporary world environment and natural resources globalization right so all these chapters we are going to discuss in detail

तो उस टाइम पर हम इंडिया का पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे इंडिया का किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है ऑल इन ऑल इफ़ वी से और इन शॉर्ट इफ़ वी से देन इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं हर एक कंट्री के साथ दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक यू एस ए रशिया देन पाकिस्तान देन अफगानिस्तान दिस काइंड ऑफ थिंग्स चाइना राइट सो दीज दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू आउट दी बुक आफ्टर दिस साउथ एशिया के बारे में भी हम कंटेम्परेरी साउथ एशिया के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने जितनी बनाई हैं उनमें इंडिया का क्या स्टैंड है इंडिया किस तरीके से उनको देखता है ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं एंड वन मोर थिंग द चैप्टर नंबर वन दैट इज़ द कोल्ड वॉर इरा दिस इज़ बीग रिलेटेड फ्रॉम द सिलेबस बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमें चैप्टर नंबर टू को समझना है तो हमें चैप्टर नंबर वन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है uh, थोड़ा बहुत हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कहेंगे वी कैन गेट अ रिकॉल ऑफ द चैप्टर नंबर वन द कोल्ड वॉर इराज सो दैट वी विल कम टू नो दैट वॉट इज एग्जैक्टली कॉल्ड वो वॉट वॉज एग्जैक्टली कोल्ड वॉर एंड वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन डिटेल इन द एंड ऑफ बाई राइट सो लेट इस टॉक अबाउट द कोल्ड वॉर फर्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट द कोल्ड War, कोल्ड War बेसिकली इसको हिंदी में हम शीत युद्ध भी बोलते हैं सो इफ़ आई टॉक अबाउट कोल्ड वॉर दिस इज ऑल्सो नोन एज शीत युद्ध इस शीत युद्ध में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप बिना किसी आम के बिना किसी आप हथियार के वेपन को यूज़ किए बिना जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं नैगोसिएशन ट्रीटीज़ के बेसिस पर या आप जहाँ पर अपने आप को एक सुपर पावर प्रूव करते हैं तो, तो दैट इज़ नोन एज़ कोल्ड वॉर राइट जहाँ पर आपका बातचीत से रिलेटेड युद्ध हो रहा है या बातचीत से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता जा रहा है जहाँ पर आप वेपन, वेपन्स का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं दैट इज़ इन जनरल नॉन एज कोल्ड वॉर इन लेमेन टर्म्स बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दैट वॉट वॉज कोल्ड वॉर हमें सबसे पहले कोल्ड वॉर के बारे में समझना है एक छोटा सा जिस्ट हम ले लेते हैं नोवर व्यू ऑफ द कोल्ड वॉर सो दैट इट विल बी एन ईज फॉर वी पीपल कि हम चैप्टर नंबर टू में जो पढ़ने वाले हैं उसको हम इजिली रिलेट कर सकें राइट right. तो कोल्ड वॉर बेसिकली क्या है जब हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद ये देखा गया कि ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुई हैं इट वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव था तो इसके बाद देखो सबसे पहले तो हमने हमने जब देखा कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है आपका 1914 टू 1918 एटीन right? राइट तो वो ही इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था उसने पूरे विश्व को हिला दिया था हम ये कह सकते हैं राइट right? तो ये इतना डिवास्टेटेड इसके इफ़ेक्ट्स आए इतना लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव हुआ सिविलियन प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो ये चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो वहीं पर नहीं रुका इट इनिशिएटेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इट वाज़ द ड्यूरेशन इज़ 1939 टू 1945 राइट right? 1939 थर्टी एंड 1945 ड्यूरेशन इसकी रही है वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ है वर्ल्ड वॉर हमारा एंड तब हुआ है जब यूनाइटेड स्टेट ने और वी कैन से कि यूएस ने दो एटॉमिक बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था जैपनीज सिटीज़ में जो द जैपनीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन ऑगस्ट 1945 राइट इन द सेम मंथ ऑगस्ट ऑगस्ट 1945 में ही दोनों सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पर उन लोगों ने जब यूएस आर्मी ने एटॉमिक बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और वी कैन से कि बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट थे जिसकी वजह से जापान ने सरेंडर कर दिया था और जो क्रिटिक्स थे यूएस की इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उनको बॉम्ब्स को नहीं गिराना चाहिए था तो जापान जब सरेंडर कर देता है तो अननेसेसरीली मतलब आप अननेसेसरीली किसी पर बॉम्ब गिरा रहे हो जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर एंड दैट इट वॉज अननेसेसरीली टू ड्रॉप द बॉम्ब्स तो ये सजेस्ट किया गया कि यूएस एक्शन जो है ये कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन और यूएस ये दोनों ही अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमें इसको रोक देना चाहिए राइट right? तो दैट वाज देयर नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट व्हाट इज सोवियत यूनियन एंड व्हाट इज दिस यू हम जब बात कर रहे हैं देखो हमारे पास जब बहुत सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल पावर आ जाती है या हमें लगता है कि हम टेक्नोलॉजिकली टेक्निकली और से हम एजुकेशन में या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर जब हम प्रोस्पेरिस हो जाते हैं हमारे पास पैसा आ जाता है तो वी ऑलवेज यूज टू थिंक दैट वी आर अबउ ऑफ ऑल सो सेम इज द सिचुएशन अक्रॉस दर्ल्ड एट दैट टाइम दैट यू एस एंड यू एस यू एंड यू एस देयर एक्चुअली यू क्या है यू एस एजली यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक राइट तो पंद्रह अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो आकर आपकी और यूएसएसआर को बनाती हैं इफ़ वी टॉक अबाउट यूएसएसआर सो बेसिकली वी कैन सी हियर दिस इज द मैप ऑफ यूएसएसआर एस रिस्ट वाइल यू एस द मेजर पोर्शन इज ऑफ रशिया रशिया जो है वो काफ़ी बड़ी कंट्री थी यूएसएसआर तो संगठन एक तरह से हम यू की अगर बात करें तो यू एक संगठन था उस संगठन में बेसिकली हमने क्या देखा कि पंद्रह अलग, अलग अलग कंट्रीज आती हैं सोवियत का मतलब होता है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल राइट एंड इट दिस मीन्स यूनियन सोशल सोवियत देन सोशलिस्ट एंड देन रिपब्लिक राइट सो देर वर फिफ्टीन कंट्रीज हु आर कमिंग टूगेदर ऑन सम प्रिंसिपल्स जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं जिनसे वो इंस्पायर्ड हैं तो उन सब चीज़ों के लिए वो एक साथ आती हैं आकर एक यूनियन फॉर्म करती हैं तो दैट इज़ यू एस एस आर एज ऑफ नाउ हम सिर्फ इतना ही समझेंगे यूएसएसआर के बारे में व्हेन वी आर व्हेन वी आर लुकिंग इन टू द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर देन सेपरेटली वी विल बी डिस्कसिंग यू इन डिटेल राइट सो दिस इज़ अबाउट यू तो बेसिकली क्या था कि हमारे जो यू और यू हैं दो ऐसी कंट्रीज थी या हम कह सकते हैं दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन्स थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सुपर पावर की एक होड में ये लग जाते हैं या सुपर पावर इनको बनना है सुपर पावर बनने की जो ये इनकी महत्वाकांक्षा है इनकी इच्छा है इसके लिए ये एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं राइट तो यूएसए एंड यूएसएसआर राइट यूएसए एंड यूएसएसआर ये जो हैं ये दो पोल्स बन जाते हैं और ये दो पोल बनने के बाद अब क्या करेंगे ये दो वो, दो पोल बनने के बाद अब ये चाहेंगे कि पूरा विश्व हमारे अंडर वर्क करे या तो या फिर जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करे और दूसरा भी सेम चीज चाहता है राइट right? तो अब अगर यूएसए कैपिटलिस्ट है अस सी द पॉलिसीज ऑफ द टू अगर यू की बात हम करें तो यू एस एज़ कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट बेसिकली जो इकोनॉमी में बिलीव करता है इकनॉमी इमर्ज करने में या हम कह सकते हैं इन्वेंट करने में बिलीव करता है एंड यू एस इज़ सोशलिस्ट कंट्री सोशलिस्ट बेसिकली मीन्स इक्वालिटी और दैट इज़ फॉर एवरी वन इक्वलिटी फॉर एवरी वन और वी कैन से इट यूज टू थिंक अबाउट एवरी वन वेलफेयर ऑफ एवरी वन सो दिस इज़ वॉट वॉट आर देयर बेसिक आइडियोलॉजीज यहाँ पर यू जो है ये काफ़ी डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेटिक है अगर इसकी हम बात करें तो लिबरल डेमोक्रेटिक है यहाँ पर आपकी कॉम्युनिस्ट पार्टी है राइट सो दिस इज देयर दीज आर द आइडियोलॉजीज ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर अब जो ग्रुप पूरे वर्ल्ड वाइड जो ग्रुप इस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं वो यूएस की तरफ चले जाते हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस यूएसएसआर की तरफ चले जाते हैं तो ऐसे करते हुए हमें क्या पता चलता है हमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे पास दो अलग अलग तरह के ग्रुप बन गए हैं जिनको हमने बायपोलर बोला टू पोल्स क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं अब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं तो ऑब्वियस है कि इस वजह से क्या होगा इस वजह से यहाँ पर हमें पावर ब्लॉक देखने को मिलेंगे तो दिस इज पावर ब्लॉक नंबर वन एंड दिस इज़ पावर ब्लॉक नंबर टू राइट अब यहाँ पर हम इनको वेस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं और इसको ईस्टर्न ब्लॉक भी बोलते हैं इसको सोवियत यूनियन भी बोलते हैं और इसके अलावा अगर हम अलायंस की बात करें तो दिस इज़ नॉन एज वेस्टर्न अलायंस दिस इज नॉन एज ईस्टर्न अलायंस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इन जो इनकी तरफ टेल्टेड हैं वो इनके पास चली जाती हैं नाओ लेटस्ट कॉल लेटस्ट नो द रीज़न कि वो इनके पास जा क्यों रही हैं जा क्यों रही हैं क्योंकि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं अब देखो बहुत बड़ी कंट्री नहीं है बहुत स्मॉल कंट्रीज हैं जिनको ये पता है कि अगर हम अलायंस में रहेंगे सुपर पावर के अलायंस में रहेंगे तो हमें कुछ इंटरेस्ट फुलफिल होंगे हमारे वो इंटरेस्ट क्या होंगे इंटरेस्ट वी कैन से कि यहाँ पर ये दोनों ही यू एस ए और यू एस एस आर ऐसे संगठन को ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज़ को ऐसे प्रोमिस किया करते थे कि आ, वी आर प्रोमिसिंग यू ऑफ प्रोटेक्शन वेपन्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कराएंगे दूसरे ब्लॉक से अगर मान लो आप यू के साथ हैं तो आपको यू से बचाया जाएगा अगर आप यू की तरफ हैं तो आपको यू से बचाया जाएगा देन आफ्टर दिस वेपन्स कोई आपको थ्रेट नहीं कर पाएगा वेपन्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपको इकोनॉमिक एड देंगे पैसा जो है वो हम आपको देंगे और जितने भी लोकल राइवल्स हैं उन सब से हम आपको बचाएंगे. और जो रीजनल नेबर्स हैं उनकी रेवेलिटीज से भी हम आपको बचाएंगे तो रेवलरी आपकी खत्म हो जाएगी राइट तो इस तरह के कुछ इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं जो कि ये दो ये अलग अलग कंट्रीज भी चाहती हैं एंड दे वांट दी दे वांट टू गो अंडर अम्ब्रेला ऑफ एनी ऑफ द सुपर पावर जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हैं राइट तो अब ऐसी जो सुपर पावर्स है ये सुपर पावर इमर्ज हो रही हैं इसी की वजह से अब सुपर पावर बनने की होड में ही ये वर्ल्ड वॉर हुए थे हमारे पास जो अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें तो दैट वॉज देयर लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो काफ़ी डिवास्टेटिंग था या हम कह सकते हैं बहुत बुरे उसके इफेक्ट थे एज आई टोल्ड यू अबाउट जपैन द केस ऑफ जपैन तो इतने बुरे इफ़ेक्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या किया गया कि इस वर्ल्ड वॉर को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को और इसके बाद एक नया युद्ध शुरू होता है दोनों ही सुपर पावर्स जो ये पावर ब्लॉक्स हैं आपका वेस्टर्न पावर ब्लॉक और ईस्टर्न पावर ब्लॉक इनके बीच में एक और जंग शुरू होती है जो कि अभी बैटल में तो नहीं जाएगी बट ये क्या करेंगे ये नेगोसिएशन और ट्रीटीज के बेसिस पर अभी एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और वी कैन से कि यहाँ पर कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा राइट right? बातचीत का जो युद्ध है वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर इनको किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए किसी एक पर्टिकुलर बैटलफील्ड में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है राइट सो दैट वाज देयर आफ्टर दिस इफ यू टॉक अबाउट दीज सुपर पावर्स तो इन सुपर पावर्स का क्या था कि इनकी अप्रोच जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अप्रोच बिल्कुल अलग थी दिस इज कैपिटलिस्ट इन नेचर दिस इज सोशलिस्ट इन नेचर

इतना पावर जितना वो वो इतना पावरफुल हैं कि उनकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन इतने अच्छे हैं कि हम दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लें राइट तो इनका डोमिनेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है और डोमिनेंस बढ़ने की वजह से अलग अलग कंट्रीज इनकी तरफ टिल्ट हो रही हैं इनको टू पोल्स बोला जा रहा है क्लियर तो ये कुछ इनके सामने चैलेंजेस भी आते हैं जैसे चैलेंजेस हम अगर बात करें अपने खुद के इंडिया की तो जब हमारा इंडिया न्यूली बॉर्न कंट्री क्योंकि देखो जब हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है दैट वॉज द ईयर नाइनटीन एंड वैन वी गोट इंडिपेंडेंट दैट वॉज द ईयर नाइनटीन तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारी इसके इंडिपेंडेंस और यूएन और वी कैन से कि हमारा जो वर्ल्ड वॉर है उसको ख़त्म होने में राइट अब यहाँ पर ये जो दो पावर ब्लॉक बने हैं ये हर तरह से इंडिया को न्यूली बॉर्न कंट्री इंडिया को हर तरह से लुभावने वादे देंगे हर तरीके से इनको मनाने की कोशिश करेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो इंडिया है कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाए बट इंडिया जो है वो इन दो ब् ब्लॉक को एग्जिस्ट करते हुए मतलब पूरे वर्ल्ड में ये दो ब्लॉक जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं पावरफुल हैं इनको नेगलेक्ट करते हुए इंडिया क्या कर रहा है इंडिया अपनी खुद की एक पॉलिसी लेकर आ रहा है दैट इज नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट राइट तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया क्यों लेकर आया क्योंकि इंडिया वॉज अ न्यूली बॉर्न कंट्री और इंडिया कहीं पर भी यूएसए और यूएसएसआर के किसी भी तर, तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना चाहता है सो दैट वॉज देयर तो ये कुछ इस तरह के चैलेंजेस बायपोलैरिटी के सामने भी आए कि जहां पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हैं राइट right? और वो उसको सपोर्ट करेंगी तो ऑब्वियस है कि अब यहां पर इनका डोमिनेंस कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा यूएसए और यूएसएसआर का बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द रिकोगशन दे वॉन्ट क्लियर जो रिकॉग्निशन ये चाहते हैं वो रिकॉग्निशन इनको नहीं मिल रहा है तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं सामने ऐसा नहीं है कि बहुत चैलेंजेस फ्री हैं या कुछ ऐसे हैं तो हमारे पास कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर भी इकोनॉमिक ऑर्डर भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है इकोनॉमी किसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड है क्योंकि देखो हर एक चीज का जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग बनना चाहते हैं तो आपके पास पावर और पैसा ये दो चीज़ें होनी चाहिए राइट right? तो अब इनमें से जिसके पास पावर और पैसा दोनों इकट्ठे बचेंगे एक साथ बचेंगे ऐसा नहीं कि आप अलग अलग उस चीज़ को देखेंगे दिस इज योर पावर एंड दिस इज योर मनी जिसके पास पावर और पैसा इकट्ठा बचेगा वही अल्टीमेट किंग बन जाएगा क्लियर तो अल्टीमेट किंग बनने के लिए क्या चाहिए ये दो चीज़ें चाहिए पावर एंड मनी एंड जब हम देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को एंड ऑफ बायपोलैरिटी को तो हमें समझ आएगा कि जिसके पास पावर और पैसा दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं दैट विल इमर्ज एज द स्ट्रॉगेस्ट ब्लॉक क्लियर आफ्टर दिस टॉक अबाउट चैप्टर नंबर टू गिवन यू एन ओवर व्यू ऑफ दिस बाई जब ये यूएसए और यूएसएस आर दोनों लड़ रहे थे तो उसी समय बर्लिन की दीवार बनाई गई थी बर्लिन क्या है बर्लिन बेसिकली बर्लिन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन जर्मनी बर्लिन जर्मनी में एक जगह का नाम है और जर्मनी में बेसिकली क्या हुआ था कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी लेकिन वर्ल्ड वॉर जब ये दो अलायंस ऐसे बने थे वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कोल्ड वॉर के टाइम पर तो बर्लिन शहर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था जहाँ पर जो ईस्टर्न जर्मनी है आपका या जिसको हम ईस्टर्न जर्मनी भी इसको बोलते हैं या ईस्टर्न बर्लिन हम बोलेंगे तो ईस्टर्न बर्लिन जो है इस ये टिल्टेड था यूएसएसआर की तरफ क्योंकि ये सोशलिस्ट पॉलिसी से इन्फ्लुएंस्ड था और अगर हम वेस्टर्न बर्लिन की बात करें तो वेस्टर्न बर्लिन वॉज टल्टुआस दी यूएसए पॉलिसी दैट इज कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म की तरफ टेल्टेड था तो इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि जर्मनी में ये जो वॉल है दिस वॉल ये वॉल 1961 सिक्सटी वन में बनाई गई एक्चुअली क्या हो रहा था जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत महामारी फैली जिसकी वजह से लोगों के पास मतलब प्रॉपर्टी नहीं बची है पैसा नहीं बचा है पोवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनकी अप्रोच है कैपिटलिस्ट इनकी अप्रोच है सोशलिस्ट तो जो ईस्टर्न बर्लिन वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर क्रॉस करे जा रहे हैं मतलब वो बॉर्डर क्रॉस करके और वेस्टर्न बर्लिन में चले जाते हैं क्यों क्योंकि उनको उस तरफ पैसा दिख रहा है डेवलपमेंट दिख रही है राइट यहाँ पर क्या है यहाँ पर पैसा और डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है इनकी कैपिटलिस्ट अप्रोच है सो दैट इज वाई दे आर शिफ्टिंग और दे आर माइग्रेटिंग दमसेल्फ जब ये माइग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर अब बर्लिन

वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट के बाद दो अलग अलग विश्व को शो कर रहा था राइट right? अगर हम बात करें दो अलग अलग विश्व की तो हमारे पास कौन कौन से है जैसे अगर हम बात करें दिस वॉज फर्स्ट ब्लॉक एंड दिस वॉज द सेकेंड ब्लॉक ये हमारे लिए पहला विश्व था और ये दूसरा विश्व था बर्लिन की दीवार 1961 में जब बनी तो ये एक सिग्निफिकेंस था या हम कह सकते हैं सिम्बोलाइज कर रहा था किसको कि हमने कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया है दो वर्ल्ड बन गए हैं आपको समझ आया कि यूएसए जो है वो आपका कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है और जो यूएसएसआर है वो आपका कम्युनिस्ट वर्ल्ड है तो यहाँ पर ये यह बोला जा रहा है कि दो वर्ल्ड बन गए हैं और जो बर्लिन की दीवार है अब ये क्या दिखा रही है ये इन दो वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को दिखा रही है सो दैट इज वाई जो बर्लिन वॉल है ये बहुत बड़ा सिंबल है डिवीज़न ऑफ कैपिटलिस्ट एंड कॉम्युनिस्ट का राइट आफ्टर दिस अगर हम बात करें कि इस दीवार के बारे में तो ये दीवार काफ़ी अभी फिर से इसका एक डिटेल आएगा इस चैप्टर नंबर टू में अभी मैंने सिर्फ आप ए, आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इस बर्लिन की दीवार को बनाया गया है अभी एज ऑफ नाउ आपको ये समझना है कि बर्लिन की दीवार को क्यों बनाया गया उसका सिग्निफिकेंस क्या था और वो क्या सिम्बोलाइज कर रहा था राइट आफ्टर दिस लेटस टॉक अबाउट दिस टॉपिक एंड एंड ऑफ दीन्स एंडिंग समथिंग किसी चीज़ का अंत हो रहा है विलय हो रहा है या हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ खत्म हो रही है राइट right? वो अपने अस्तित्व को खत्म कर रही है सो दैट इज वॉट इट मीन एंड बाई पोलैरिटी बाई पोलैरिटी हियर बाई बाई मीन्स टू एंड पोलैरिटी मीन्स टू पोल्स और टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज राइट सो इन दिस टॉपिक और इन दिस होल चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडिंग ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स अब देखो दो वर्ल्ड हम बात करें अभी तो हमने दो वर्ल्ड को बनाया है कोल्ड वॉर के टाइम पर अब वो एंड होने की क्या बात आ गई बाईपोलैरिटी के ऑब्वियस है अभी मैंने आपको अभी एक बात बोली कि पावर एंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट पावर और मनी आपके पास साइमल्टेनियसली होना चाहिए अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ में आप लैक कर रहे हो इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड राइट तो यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि जो द एंड ऑफ बाई है यहाँ पर भी किसी एक पोल को किसी ना किसी रीजन से कुछ रीजंस रहे होंगे कोई एक पोल ऐसा है जिसकी पावर अब डिप्राइव होती जा रही है जिसकी इकोनॉमी भी डिप्राइव होती जा रही है राइट हो सकता है बहुत सारे उसके रीजंस रहे हों उन्हीं रीजन्स को हमें जानना है अब ये जो दो पोल्स हैं इनमें से एक पोल की पावर और मनी दोनों ही कम होते जा रहे हैं सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल दैट वॉट डज दिस एक्चुअली मीन द एंड ऑफ बायपोलैरिटी बेसिकली ह्योर मीन कि हम यू एस एस आर का डिसइंटीग्रेशन इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे यू एस एस आर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में कि धीरे धीरे कुछ ऐसा टाइम आया जहाँ पर जो यू एस एस आर है ये डिसइंटीग्रेट हो गया नाइनटीन नाइन्टी वन में क्लियर और यू एस ए जो है अब ऑब्वियस है कि ये अब बायपोलर से यूनी पोलर वर्ल्ड बन जाएगा यूनीपोलर मतलब यूनी का मतलब होता है वन राइट right? तो बायपोलर से यूनी पोलर वर्ल्ड बन जाएगा जब ऑब्वियस है कि अगर इसकी पावर कम हो रही है इसके पास पैसा कम रह रहा है तो ऑब्वियस है कि दूसरे की पावर इमर्ज होगी क्योंकि एक तो ख़त्म हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा इमर्ज हो रहा है राइट सो दैट इज़ वाई वी कैन से कि ये पूरी की पूरी इस चैप्टर में जो स्टोरी होगी वो बाय पोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी बनने की होगी अब अगेन नाउ कम टू दैट वॉल अगर हम बर्लिन की दीवार पे फिर से आएँ तो बर्लिन की दीवार में हमें समझ में आता है कि जो बर्लिन है ये जर्मनी की एक सिटी uh, है जिसमें हमने ये देखा कि एक वॉल बनाई गई इस वॉल को बनाने के बाद जब इसको 1961 में बनाया गया तो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने क्या किया आप अपने चैप्टर की बुक में भी देख सकते सॉरी आप अपने बुक के चैप्टर में भी देख सकते हैं एज वी कैन सी हियर कि यहाँ पर हमने देखा कि बर्लिन की वॉल को दीवार को 1989 में तोड़ दिया जाता है क्लियर ये जो बर्लिन की दीवार है ये 150 किलोमीटर लंबी है जो 28 साल से खड़ी है लेकिन इसको तोड़ दिया जाता है नाइन्थ नवंबर 1989 को अब देखो इसको तोड़ देने का मतलब क्या है इसको तोड़ देने का मतलब यह है कि अभी तो हमने पढ़ा कि इट इट द द ऑफ टू दैट इज कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट वर्ल्ड राइट तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट वर्ल्ड को वो डिवाइड कर रही है उसका बहुत बड़ा सिंबल है इसको तोड़ने का मतलब क्या है इसको तोड़ने का मतलब ये है कि, कि किसी एक की पावर कम होती जा रही है कोई एक पावर जो है वो काफी वी कैन से कि वीक फेज से गुजर रही है दैट इज वाई तो इसको तोड़ा गया और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक नई नया वर्ल्ड इमर्ज होकर आ रहा है क्लियर सो दैट इज देयर आफ्टर दिस इफ वी टॉक कि बर्लिन की दीवार को जब तोड़ा गया तो इसको क्यों तोड़ा गया अब ऐसा तो है नहीं कि हम रातों रात सोच लें कि हमें सुबह दीवार को तोड़ना है और हम उसको तोड़ के आ जाए राइट right? ये एक जब इतना बड़ा सिंबल शो कर रहा है एक हिस्टोरिक इवेंट है ये राइट right? तो इस हिस्टोरिक इवेंट के होने के पीछे कारण क्या रहे होंगे कुछ तो कारण रहे होंगे वो रीजंस क्या हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि यूएसएसआर और यूएसए जिसको सिम्बलाइज जो जिसको सिंबलाइज करती है बर्लिन की दीवार वो दीवार क्यों टूट रही है राइट right? तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इस फोटो में जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है यू कैन रेफर टू योर एन सी आर टी एज वेल यहाँ पर आपको पता चलता है कि जो लोग हैं वो बहुत छोटे छोटे होल बना रहे हैं वॉल में और इस होल को मतलब वो क्या कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि नाउ वी आर फ्री फ्रॉम बोथ दी वर्ल्ड्स ये जो दो वर्ल्ड जिन दो पार्ट में बना हुआ है पूरा एरिया इसको हम फ्री कर रहे हैं और यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि बर्लिन दो पार्ट में डिवाइडेड था और बर्लिन एक सिटी है जर्मनी में सो दैट इज़ वाई जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बेसिकली ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी तो बर्लिन की दीवार को तोड़ने का मतलब है री यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जर्मनी को फिर से बनना जर्मनी का फिर से यूनिफाई होना दिस इज द मीनिंग राइट तो टू पार्ट्स जो जर्मनी के हैं अब वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्ट सॉरी कॉम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट पार्ट को जोड़ रहे हैं राइट right? तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे रीजंस रहे हैं जैसे हमने अभी बात की कि पावर और मनी के बारे में तो हम देख रहे हैं जो यूएसएसआर है उसका सोशलिस्ट नेचर है सोशलिस्ट नेचर होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ड्रामेटिक इवेंट्स हुई हैं जिनकी वजह से यहाँ पर एक हिस्टोरिक हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स वर देयर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किसी एक रीजन की वजह से हमने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया देयर वर सीरीज ऑफ दीज इवेंट्स उन इवेंट्स के चलते जैसे पॉवर्टी हो गया अनएम्प्लॉयमेंट हो गया डिससेटिस्फेक्शन अमंग दी पीपल हो गया ये बहुत सारे रीजंस है मास डेमोन्स्ट्रेशंस हो गया इन सब को देखते हुए जो यूएसएसआर है अब ये इस तरह से इस स्टेज पर आ गया है कि धीरे धीरे ये खुद ही ख़त्म होता चला जाएगा डिसइंटीग्रेट होता चला जाएगा इसको कोई डिसइंटीग्रेट कर नहीं रहा है इसके अपने अंदर इतना इंटरनल पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं या इंटरनल डिससेटिस्फेक्शन कह सकते हैं वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये बहुत सारे लोग जो हैं जो बिकॉज हमने अभी बात की कि ये फिफ्टीन अलग अलग कंट्रीज़ की यूनियन है जो सोवियत यूनियन है तो ये अपने आप ही डिस हो जाती हैं या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि टिल्टेड हैं कैपिटलिज्म की तरफ उनको दिख रहा है कि कैपिटलिस्ट मॉडल और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं हमें कोई सोशलिस्ट uh, या कम्युनिस्ट में इंटरेस्ट अभी नहीं है सो दैट इज़ वाई दे वर इन फेवर कि हम जाकर यू से मर्ज हो जाएं राइट right? तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स uh, हैं या इस तरह के बहुत सारे सीरीज़ हैं चेन ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स जिनको हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या ऐसा रहा अब उसके बाद देखो 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है उसके बाद नाउ सीधा नाइनटीन नाइन्टी वन उन्नीस में हमारा जो यूएसएसआर है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है मतलब पंद्रह की पंद्रह जो इसमें कंट्रीज हैं वो सारी फ्री हो जाती हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि एंड पॉइंट पर आकर 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना और उसके बाद की जो कहानी है 1991 तक वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे राइट सो इन दिस चैप्टर इन डिटेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूएसएसआर और वी कैन से एरिस्ट आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वट वॉज दोवियत सिस्टम then the merits and demerits that is what i am going to tell you that what are the merits and demerits of the soviet system then we are going to talk about the economic political uh, economic political reasons behind this disintegration after this uh, we are going to talk about the reasons or the leaders prominent leaders who are responsible or who आर सेट टू बी रिस्पॉन्सिबल जिनको ऐसा बोला जाता है कि इनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ उनके बारे में हम बात करेंगे एंड वाई डेड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड उसके बहुत सारे ऐसे रीजन्स हम जानेंगे जिन रीजन्स की वजह से उसको डिस इंटीग्रेट किया गया राइट तो डिसइंटीग्रेट करने के रीजन्स हम जानेंगे डिटेल में आफ्टर दैट टाइमलाइन को भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी अब देखो डिस इंटीग्रेट हुआ है तो उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज तो नहीं होंगे वर्ल्ड वाइड तो उन कंसिक्वेंसिस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं देन शॉक थेरेपी शॉक थेरेपी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि शॉक थेरेपी क्या थी उसके क्या मतलब पोस्ट कॉम्युनिस्ट रिजीम क्या था उसके क्या कंसिक्वेंसेज हुए अब कोई भी इवेंट जो होगी उसके कोई ना कोई कंसिक्वेंसेज तो होंगे ही ना तो वो कॉन्सिक्वेंसेज हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं राइट आफ्टर दिस अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से होगी उससे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे टेंशंस एंड कंफ्लिक्ट जो भी टेंशन और कन्फ्लिक्ट आए डिसइंटीग्रेशन के टाइम पर या उसके बाद उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे देन एज आई टोल्ड यू कि इस बुक में हम हर चैप्टर में शुरू तो हम चैप्टर करेंगे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बट वी विल एंड एट इंडिया राइट right? तो इंडिया को हम और वी से कि इंडिया ही हर चीज़ को एंड करेगा राइट right? तो इंडिया के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है या फिर पोस्ट कॉम्युनिस्ट कंट्रीज़ का क्या पर्सपेक्टिव है कि कम्युनिज़म के बाद क्या हुआ उसके बाद कैसे हमारे रिलेशन रहे इंडिया के रिलेशन किसके साथ रशिया के साथ या यूएसए के साथ किस तरीके के हैं वो सब हम बात डिटेल इस चैप्टर में पूरी डिटेल को डिस्कस करेंगे आई बिलीव कि अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में वो समझ आया होगा बेसिकली इस वीडियो में हमने बात की है दो पोलर वर्ल्ड की लेट मी जस्ट इट आउट और आई विल समराइज दैट वॉट वी डिस्कस टूडे वी टॉकड अबाउट बाईपोलैरिटी दो वर्ल्ड्स का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है एक यूएसए है एक यूएसएसआर है ये हमने डिटेल में बात की है कि ये क्या ब्लॉक्स हैं और इनका क्या है यू का अभी हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे चैप्टर के ही टॉपिक में आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द बर्लिन वॉल बर्लिन वॉल के बारे में मैंने आपको बताया है कि बर्लिन वॉल क्या है उसके क्या इफ़ेक्ट हैं और बर्लिन वॉल क्यों बनवाई गई थी उसको क्यों तोड़ा गया ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं आफ्टर दिस हमने बात की थी इस चैप्टर में यूएसए और यूएसएसआर की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ uh, के बारे में कि उनका टिल्टेशन किस तरफ है क्या उनकी आइडियोलॉजी है एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन दी अपकमिंग वीडियोज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून्ड